चलो इसको बोलते हैं सर बीओटी, बॉडी ऑफ ट्यूमर। ये देखो ये टाइट हो गया, ये यहाँ नरम है देखो। अब कई लोग इसको मेद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेद। मेद मेद यहाँ उठेगी बॉडी पे, कभी यहाँ उठ जाएगी, कभी कान के नीचे हो जाएगी, कभी यहाँ हो जाएगी, कभी इधर हो जाएगी, कभी हो जाएगी। रखिए किसान का ये पुश्तैनी काम था, किसान बन के बकरी पालो और किसान बन के अवेयर करो और किसान बन के रहना सीख लोगे ना, तब कहीं जाके हम दूसरे का भला करना सीख जाएंगे। तो अब आता है क्या सर? ट्रेडिंग। अब साला ट्रेडिंग ऐसा बिजनेस, देखो शब्दों पे बड़ा ध्यान देना पड़ता है, निकल जाता है साला शब्द। अभी आप वो बता रहे थे, मैंने कहा था शब्द क्या, शब्द निःशुल्क होते हैं, निःशुल्क होते हैं, पैसा नहीं लगता उसका, पैसा नहीं लगता। लेकिन ये आपके शब्द तय करेंगे कि आपको गधे पे बैठना है या घोड़े पे बैठना है, ये आपके शब्द तय करेंगे। अब कमेंट की दुनिया है, हमारे पे भी कमेंट करती है हजारों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हमारे बारे में भी हजारों कमेंट है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, सुबह खोलती व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, रात के 11 बजे तक यूनिवर्सिटी चलती व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बहुत तगड़ी यूनिवर्सिटी है। और लोग इसमें इतने भ्रमित हो जाते हैं कि अपना मूल काम छोड़ के जीरो पे आ गए। सही बात। जब तक सही मायने में एनिमल फार्मिंग आप नहीं करोगे, सही मायने में आपको नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप क्या कह सकते हो? सही बात। इसमें कुछ चेंज किया गया खाने में? नहीं, अभी ये गर्मी आ गई, ये चेंज लग रहा है ना, ये खानी है। अभी गर्मी आ गई, अब जो अनाज है वो ठंडा रूप में जाएगा, पहले बाजरा था गर्म के रूप में, अब ये जो आ गया सब। अच्छा ठीक है, अब दो दिन में इनका शेड्यूल चेंज होने वाला है, इसमें चना चूरी आएगी, इसमें गंवार चूरी आएगी, इसी में सोयाबीन चूरी आएगी। राइट, वो अपने 13 रत्न थे, कितने थे वो भी है, 13 रत्न का तो मिश्रण। अब गर्मियों में इनका विशेष ध्यान, पशु हीट स्ट्रोक में नहीं आए हैं, जो प्रेग्नेंट बकरी है उस पे विशेष ध्यान देना, बच्चों को सेव करना। अब मैं आपको बताता हूँ, एक आदमी अगर 500 बकरे पालता है, कितने बकरे? 500 बकरों के बराबर 20 बकरी है आज की तारीख में, अगर स्टॉल फीड पे, तो नॉट ग्रेजिंग, मैं ग्रेजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। सही है, 500 बकरे जितना चैलेंज नहीं देंगे आपको, उतना चैलेंज कितना देती है? 20 बकरी देगी। अच्छा एक क्वेश्चन अभी आ रहा है, कमेंट भी आ रहा है कि बकरी का दूध कैसे बढ़ाए, दो क्वेश्चन है, दूसरा कि बकरों को मोटा ताजा कैसे करें। पुरानी कहावत है, बकरी का दूध जो होता है वो उसके जाड़ में होता है, बकरी अच्छा खाएगी, अच्छा पिएगी और अच्छी तरह से रहेगी, बकरी का दूध बढ़ेगा। वो बोल रहे खाने में ऐसा क्या दें हम? खाने में देखो चना चूरी दूध बढ़ाने का सहायक है, गुआर चूरी दूध बढ़ाने का सहायक है, प्रोटीन बेस पे अगर हम बात करें तो सोयाबीन की चूरी है भी वो प्रोटीन देगी आपको, ठीक है। और हम जो खल है वो बिनोड़े की नहीं देते हैं, बिनोड़ा खल अगर आप खिलाते हो तो आप अपने पशुओं को रिपीटर की श्रेणी में ले जाओगे। समझ नहीं पाया, बिनोड़ा खल जो अपना नहीं होता, काकड़ा जिसको बोलते हैं, काकड़ा रुई नहीं होता, हाँ, हाँ, कपास की, कपास की खल नहीं देते, कपास की खल नहीं देते, ठीक है, जो कॉटन खल बनती है ना, ठीक है, काकड़ा बोलते हैं मारवाड़ी में तो उसको, और कपास की खल बोलते चलते ना सर उधर, तो उसमें जब वो होती है ना, आगे उसमें क्या होता है, पशु रिपीट की श्रेणी में आता है, क्या आता है, रिपीट की श्रेणी में, रिपीट होगा। और अगर वो खल यूज में लेंगे तो जानवर जो है वापस रिपीट में रहेगा और रिपीट होता है, अच्छे नहीं होंगे, यूट्रस पे चर्बी आ जाती है उसके। देखो चर्बी दो तरह की होती है, एक तो बॉडी की चर्बी, एक यूट्रस पे चर्बी, तो यूट्रस पे अगर चर्बी है ना तो पशु फिर आपका गाबिन नहीं होगा। अच्छा, गाबिन नहीं होगा तो फिर समस्या पता कितनी हो जाएगी। अच्छा, बहुत समस्या पैदा होती है। तो एक तो फिर खल कौन सी यूज में ले तो बताओ। देखो या तो मूंगफली की खल लो, ठीक है, और या आप तिल्ली की खल लो, एक बकरी को मैक्सिमम 100 ग्राम और मिनिमम 50 ग्राम, अगर मान लो आप 300 ग्राम खल खिला रहे हो तो भी नुकसान है। अच्छा, बैलेंस फीड आपके ये पास एवरेज रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। आप ज्यादा खिला रहे हो क्योंकि उसको डेली खिलानी है उसको। अच्छा सर एक बता ही दिया ना सर उस बीमारी के बारे में, वो आपका दूसरा वीडियो है, मैं आपको बता, हो जाएगा ना, इसको क्लोज करके हम वहीं से ले लेंगे, वहीं से लेंगे। अब देखते हैं आपको, ये देखो ये जो रोग है ना, एक बार ये सुनो, ये पशु में दर्द पैदा करता है, बॉडी में दर्द होता है इससे। देखो आप, ये हमारी सिरोही की बकरी है,
इधर आ जाओ, इसने 15 से 20 किलो, इधर ही ले, अंदर ठंड में लेते हैं। चलो अंदर ही दो, ठंड में लेते हैं। चलो चलो, इसको बोलते हैं सर बीओटी, बॉडी ऑफ ट्यूमर। ये देखो ये टाइट हो गया, ये यहाँ नरम है देखो। अब कई लोग इसको मेद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेद, मेद, मेद यहाँ उठेगी बॉडी पे, कभी यहाँ उठ जाएगी, कभी कान के नीचे हो जाएगी, कभी यहाँ हो जाएगी, कभी इधर हो जाएगी, कभी हो जाएगी। अभी ये जो चीज है ना, देखो ये चीज देखो, आप कहाँ है? ये सीने के नीचे है, राइट? ये है बीओटी, बॉडी ऑफ ट्यूमर। अच्छा, और एक इसके अंदर और भी चीज आपको बता रहा हूं मैं, इस पे बड़ा सजग ध्यान देना है। इसका जो इलाज है वो भी आपको बताएंगे हम कैसे है। इसको कच्चा नहीं काट करना, पकड़े दो उसको, फिर इसका पूरा मलबा निकालेंगे पूरी बॉडी का, और फिर इसको अच्छी तरह से पीपी के पानी से वाश करके, पोटेशियम परमैंगनेट से वाश करके, क्योंकि ये सेंसिटिव जगह हो गया, बहुत नाजुक जगह है। देखो यहाँ है तो यहाँ मिट्टी लगने के चांस नहीं है, यहाँ अगर हो जाए तो मिट्टी लगने के चांस नहीं है, यहाँ है ये मिट्टी है, यहाँ जानवर बैठेगा तो मिट्टी जाएगी ना, मिट्टी जाएगी तो वर्म्स पैदा होंगे। उसको बिल्कुल मतलब वेट करना है इसका, बिल्कुल पके ये, मतलब जब ये ना देखो अभी उंगली नहीं जा रही है, जब पक जाएगा ना तो ये हमारी उंगली ऐसे जाना स्टार्ट हो जाएगी ऐसे। मैं ये पूछ रहा था सोजत के अंदर यहाँ पे जो कानों पैर गर्दन भाई होते हैं, कई जगह होती है देखो, यहाँ फट जाती है वो भी, ये भी फटेगी, फटेगी ये भी फटेगी, सब पूरा मलबा इसमें करीबन 1-1.5 किलो निकलेगा, मतलब ये भारी मात्रा में हो गया। कई छोटा पार्ट होता है, कई बड़ा पार्ट होता है, इसको हमारे यहाँ के जो लोग मेद बोलते हैं, सही है। लेकिन एक्चुअल जो इसका साइंटिफिक जो नाम है बीओटी है, बॉडी ऑफ ट्यूमर, ये बॉडी पे होता है और बॉडी के बाहरी हिस्से पे होगा। ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक बॉडी के अंदर है, एक बॉडी के बाहर है, तो ये बाहरी हिस्से का ट्यूमर है, एक ही इलाज है इसका। हाँ, ये पकड़ने दो और इसको कच्चे को कभी छेड़ना नहीं है। अब एक नई और बीमारी हो रही है, क्या हो रही है सर? मच्छर उड़ने वाले। हाँ वही मैं पूछ रहा था सर, ठीक है, मच्छर जो उड़ने वाले है ना, है यहाँ पे भी है? हाँ देखो ये एक दो मच्छर है। अब ऐसा क्या होता है, जैसे क्या होता है हमारे राजस्थान में, क्या सर्दियों में वो खाद होती है, बाड़े में रहती है, तो उसके पनपने का ये कारण है। एक तो एक जो ठंडी जगह है, ठंडा एरिया, जुए बोलते हैं उड़ने वाली, उड़ने वाले जुए, पिस्सू बोलते हैं उसको, है तो परजीवी वो, ठीक से वो उड़ता है, जानवर के बाड़ों में चला जाता है और बॉडी से खून आउट कर देगा। मेरे चार और बॉडी से खून कम होगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी शाइनिंग कम हो जाएगी। अब हमारे जैसे क्या रहता है, जैसे इस बकरी में शाइनिंग है, इसमें शाइनिंग है, इसमें शाइनिंग नहीं है, तो इसके अंदर वो पिस्सू है। अब इसको चेक कैसे करना है, इसके बाड़ों पे जाओ ऐसे ऐसे, तो ये उड़ रहे हैं दिखेगा आपको। अब इस जानवर को पहले अच्छी तरह से, जो अपनी दवाई होती है ना सेफ्रामेथिसिन, जिसको फड़के की दवाई बोलते हैं, फड़के की दवाई। हाँ, कहाँ मिलती है सर ये? अपने खाद बीज वाले की मिलेगी, सेफ्रामाइथिसिन होते हैं। इस्तेमाल कैसे करना है? उसको राख होती है अपने चूल्हे की राख, बरनी बोलते हैं उसको, वो लेनी है, राइट? तो 3-4 चम्मच तो वो लो और 10 चम्मच चूल्हे की राख लो, और इस जानवर को बिल्कुल बाहर निकालो धूप में, और गर्दन का ये हिस्सा छोड़ दो, यहाँ तक का हिस्सा, हाँ ठीक है, ये वाला, और पूरे हिस्से पे अच्छी तरह से मल दो, ठीक है। मलने के बाद अगले दिन आप क्या करोगे, पीपी का पानी, पोटेशियम परमैंगनेट का हल्का पानी बाल्टी में ले, और उस पूरे जहां जहां वो लगी थी उसको पूरा वाश कर दो। जैसा आपका इतना बड़ा फार्म है तो फिर कैसे, क्या टाइम मैनेज करना पड़ता है ये? तो अगर आप प्रोसेस यही रहेगा, प्रोसेस ये है। अब उसके बाद में अगर पूरे फार्म पे इसको जड़ से ही खत्म करना है, जड़ से ही खत्म करवाओ ना सर, तो वो चीज ये है, आप खाद बीज वाले के जाएं, एक नुओन स्प्रे आता है, हालांकि वो बंद हो गया लेकिन कई जगह स्टॉक में है, और एक आता है 505 फेमस दवाई है ये, तो करीबन अपने 15 या 16 लीटर की वो ड्रम होता है स्प्रे पंप, किसी का 14 लीटर, किसी का 15, किसी का 16 लीटर, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो उसके अंदर वो ऊपर ढक होता ना, तो दो ढक्कन उसके दोनों को मिला लो, ठीक है, पहले अच्छी तरह से एक डब्बे में घोड़ो, क्योंकि वो घुलता लेट है, रसायन है ना ये, रसायन ही है, और सारे जानवरों को बाहर निकाल के अच्छी तरह से
ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा स्प्रे लो। वो तो ये हो गया कि आप पूरा फसलों में छिड़काव करते हुए छिड़काव करना पड़ेगा जानवरों पे? वो नहीं, वो जानवरों पे छिड़काव नहीं करना उसका। ठीक है, वो वोमिटेड होता है, मतलब उसकी दुर्गंध दूर तक जाती है, वो जानवर में नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। अच्छा, जानवर में तो वो मल दो और इस पे जो है आप छिड़काव करो, वो करो, लेकिन ये प्रोसेस आपका सेम डे होना चाहिए। अच्छा। पहले जानवर वाला करो और उसके बाद में 2 घंटे बाद में वो करो, ताकि मच्छर इधर से उड़ के उधर जाए, उधर ना जाए, उनको जगह ही ना मिले एक दूसरे से। तो उधर से भी भागेगा, बोलो साहब अपने यहाँ से निकलो यार। ठीक है, नहीं मारना ही उसको, खत्म, मर ही जाएगा ना, मर ही जाएगा। अच्छा, भागने का मौका ही मत दो, भाग जाएगा तो फिर वापिस आ जाएगा मैदान देख के, तो नष्ट हो जाएगी मूल, अपनी जड़ ही खत्म हो जाएगी। तो अब क्या होता है, वो इतनी भारी मात्रा में होता है, जैसे बॉडी को टच होता है ना, तो यहाँ फफोले फफोले पैदा कर देता है, किसी किसी को तो बहुत हानिकारक असर होता है। और ये छोटे बच्चों पे विशेषकर अटैक ज्यादा करता है, जो बकरी के छोटे बच्चे होते हैं ना। और एरिया बताऊं आपका कहाँ है, पूंछ वाला जो एरिया होगा ना, पूंछ से लेके जो टेस्टिकल वाला एरिया, जो थनों का एरिया है, पीछे का एरिया, वहां ये ज्यादा मात्रा मिलेगा। मेरे के 5-6 मित्र हैं और उन्होंने बोला कि हमारी बकरियां बेच ही नहीं, हमें जा ही नहीं रही है, और उन्होंने बेच दी सर इस समस्या से। तो ऐसा है ना गोविंद जी, समस्याएं तो हजारों हैं, सुनो जी, पर अगर इस समस्या से आप भाग के अगर अपने जानवर बेचोगे तो औने पौने दाम में बेचे ना। अच्छा, समस्या तो हजारों है, लेकिन एक सत्य ये है स्वामी विवेकानंद का, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। सही बात, ये तथ्य उनका पकड़ के चलो आप, समस्या तो आपके पास पता नहीं क्या क्या आएगी। आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन आपके माँ के पास भी तो समस्या थी। सही बात, कि मेरा नंदलाल राजी कुछ पैदा होगा या नहीं होगा, परिवार को भी टेंशन रहती है कि यार जल्दी हो जाए, अच्छा हो जाए, कैसा कुछ नहीं होता क्या, हमारी बकरी बच्चा देने वाली होती तब नहीं होता क्या ये केस? इतना गोल कहाँ से लाए? ये मटका आता है जानी, बहुत मिलता है।